एमपी के रीवा में ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत की सड़क परिवहन बिरादरी ने बढ़ती डीजल की कीमतें, अत्यधिक कराधान, ई वे बिल उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे, स्कैपिंग नीति की वर्तमान स्थिति और टीडीएस और अनुमानित कर के निरस्तीकरण के लंबित मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। सड़क परिवहन बिरादरी ने सड़क परिवहन क्षेत्र की बिगड़ती परिस्थितियों और इसके प्रति सरकार की उदासीनता पर अपनी नाराजगी जताई। आइए सुनाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। आज हम लोगों ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिनमें डीजल द्वारा बेतहाशा वृद्धि एवं खर्चे के अनुसार भाड़े का निर्धारण किया जाए, साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा ओवरलोड फ्लाइयर ढुलाई जा रही है। अभी विगत 2-3 दिन पूर्व ही बड़ी दर्दनाक घटना, 51 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें मुख्य रूप से ओवरलोड जिम्मेदार है। हम रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये मांग करता है कि ओवरलोड पूर्णतः बंद हो और मोटर मालिकों के हित के अनुसार भाड़े में वृद्धि की जाए। अमित कुमार द्विवेदी, संभागीय अध्यक्ष ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। मैं रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता मनोहर लाल आहूजा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान से हम लोग ने ये किया है। 26 तारीख को हमारा पूरा ऑल इंडिया भारत जो है पूरा गाड़ियों खड़ी कर देंगे हम लोग जो है। उसके अलावा डीजल पेट्रोल में जो इतनी वृद्धि की गई है उसको घटाया जाए, अगर नहीं घटाया जाता है तो 14 दिन का टाइम हम लोग कलेक्टर साहब को अल्टीमेट दिए हैं। 14 दिन के बाद कलेक्टर और गाड़ियाँ और चाबियाँ दोनों कलेक्टर साहब को हम लोग सौंप देंगे। इसके बाद गाड़ियों की जिम्मेदारी हम लोग को नहीं, हम लोग किराने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर शासन ने डीजल पेट्रोल अगर नहीं कम किया तो उसमें हम लोग का मोटर आवन का धंधा पूरा खत्म हो जाएगा। इसके तहत हम लोग बिल्कुल आंदोलन में चले जाएंगे। हम लोग जो है, क्या नाम है मनोहर लाल आहूजा, ट्रक ओनर एसोसिएशन प्रवक्ता। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर। हम लोग 26 तारीख को चक्का जाम करेंगे, क्योंकि आज की डेट में ईवेल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको सरकार ने जिस तरह से लागू किया है उसके विरोध में, और डीजल और पेट्रोल का जो रेट दिनों दिन आज करीबन 2 गुना डीजल और पेट्रोल का रेट हो गया है, उसके विरोध में भी हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। और इस ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे, अगर 14 दिन के अंदर सरकार की नींद नहीं जगी, सरकार नहीं जगी, तो हम लोग अपनी गाड़ियों की चाबी माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के हाथों में सौंप देंगे। उसके बाद उनसे पूछेंगे, बता दीजिए गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करानी है, जहाँ कहेंगे वो खड़ा करा देंगे। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांगे हैं कि डीजल के जो रेट बढ़े हैं उनको कम किया जाए, बैट जो है उसको, बैट को घटाया जाए, जीएसटी के और जीएसटी के दायरे में लाया जाए डीजल। यही हम लोगों की मेन मांगे रहेंगे। अनिल तिवारी, अध्यक्ष रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तिवारी, ट्रक यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने पूरे देश के अंदर हमारा पूरा यूनियन जो है ट्रक एसोसिएशन कांग्रेस यूनियन ने इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, इसका बोझ हम लोगों के ऊपर तो है ही है, लेकिन इस देश के आम नागरिकों के ऊपर पड़ रहा है। और जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो आम आदमी भी उससे प्रभावित होगा। तो ये इस महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है। तो हम लोग उस मुद्दे को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिए कि इस महंगाई को और डीजल पेट्रोल को बढ़ते हुए दामों को कम किया जाए, डीजल पेट्रोल के दाम जो है तो जीएसटी के दायरे में भी लाया जाए। पारदर्शिता हमारी जो मांग है, सबसे प्रमुख मांग यही है कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए कि उस जीएसटी के दायरे में इसको आना चाहिए। संजय तिवारी, उपाध्यक्ष हूँ।